माइक था मैंने थोड़ा पीछे हटा के लगा दिया है क्योंकि उसमें थोड़ा आवाज सही नहीं आ रहा था, फटाफटा आ रहा था वाइजर। हेलो दोस्तों, बड़ों को प्यारी पहना, छोटों को राम राम। हमने मोनो का माइक मंगवाया था जो कि अमेजोन से घर पे आ चुका है। आज है संडे और हम मोनो माइक की आज अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका टेस्ट करेंगे, और अभी आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके मोनो के माइक की। हमने अमेजोन से माइक मंगवाया था मोनो का, आज उसकी हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो इस डब्बी के अंदर मोनो का माइक है, और इसको खोल कर देखते हैं क्या क्या आया है माइक के अंदर। और ये थैली के अंदर है माइक, और इसके अंदर से ये दो निकले हैं काट, ये देखो। इसके अंदर बताया गया है हम किस किस चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको, और थैली खोल कर देखते हैं थैली के अंदर क्या है। ये देखो थैली के अंदर हमें निकले हैं दो क्लैंप तार को लगाने के लिए कॉलर के ऊपर, हम मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं तो। और ये है माइक मोनो का, इसकी वायर काफ़ी लंबी है, इसको खोल कर देखते हैं वायर को कितनी लंबी है। और हमने इस माइक को हमने मंगवाया है अपने हेलमेट के अंदर लगाने के लिए, और मेरे को अपने हेलमेट के ऊपर लगाना है माइक। और मैं लगाता था पहले हेडफोन, हेडफोन से वॉइस सही नहीं आता था। ये देखो वायर इसकी काफ़ी लंबी है इसके अंदर। अभी यार इसको इंस्टॉल करते हैं हेलमेट के अंदर, इसके बाद देखते हैं इसका शॉट भी वॉइस कैसा आ रहा है। अभी मैं घर से निकल चुका हूं अपने माइक को टेस्ट करने के लिए, जो हमने अमेजोन से मंगवाया था मोनो का माइक, और इसकी आज वॉइस देखते हैं कैसी आ रही है, सही आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि पहले मैं करता था हेडफोन जो कि वीवो के फ़ोन के थे, और उससे थोड़ा वॉइस सही नहीं आता था। जो मैं बाघा बॉर्डर पर गया था उसकी राइड करने के लिए, उसमें थोड़ा सा बाइक जब मैंने तेज़ चलाया तो उसका वॉइस थोड़ा सही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये मोनो के माइक ऑर्डर किए थे। और इसकी वॉइस देखें कैसे आ रही है। अभी तो वैसे ज़्यादा स्पीड नहीं है बाइक की, अभी तो 40 की स्पीड पे चल रही है, और इसको थोड़ा तेज़ भी चलाएंगे और इसका वॉइस का पता चल जाएगा, वॉइस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो वरना अगर वॉइस सही नहीं आएगा तो मेरे को भी GoPro लेना पड़ेगा, और अभी GoPro लेने का बजट नहीं है इतना। अभी टाइम लग जाएगा GoPro लेने में, एक महीना लग जाएगा मेरे को GoPro लेने में। और देखते हैं वैसे इसका वॉइस कैसे आ रहा है। अभी वैसे नॉर्मल स्पीड है, वैसे थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, और वैसे अभी 50 की स्पीड पे चल रही है बाइक। और अगर ये माइक सही रहा वॉइस के लिए तो फिर इसी को इस्तेमाल करेंगे माइक को। और ये रोड जाता है बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान का बॉर्डर है हुसैनी वाला, वहाँ जाता है जहाँ से 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। और इसका वाइजर बंद करते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं आँख में। अभी मैंने वाइजर को कर लिया है बंद। ये माइक मैंने 519 रुपये में मंगवाया है अमेजोन से, और काफ़ी यूट्यूबर इसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसलिए मंगवा लिया। और देखते हैं इसका वॉइस कैसे आएगा। अभी स्पीड नॉर्मल है, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, और अंधेरा होने को आ रहा है। आपको वैसे लग नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है कैमरे में तो ऐसे लग रहा है अभी दिन है, वैसे नहीं अभी रात होने को आ गई है। और अभी लाइट छोड़ते हैं हम अपनी, ये है फॉग लाइट हमारी येलो कलर वाली, और ये वाइट कलर वाली भी लाइट इसमें साथ में है। और अभी बाइक वैसे 60 के पास चल रही है, ठीक है, इतनी स्पीड वैसे नॉर्मल चलती है 60 पर। जब लंबे रूट पर जाना होता है 60-70-80 ऐसे चलाना पड़ता है, तो इसलिए इसका वॉइस चेक कर रहे हैं सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसको कहीं रोक कर देखेंगे वॉइस सही आया है या नहीं आया है। और मैं बाघा बॉर्डर गया था ना, जब इसका वॉइस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं सही हो पा रहा था, और अभी शहर से मैं 6-7 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। यहाँ से वापस यू टर्न लेते हैं, यहाँ से लेते हैं राइट, फिर वापस मोड़ते हैं घर की तरफ, और इसका वॉइस देखते हैं अभी कैसे आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से घर की ओर जाएंगे। तभी देखें हम वीडियो बना कर चले गए घर और वॉइस आ ही नहीं रहा हो। अभी यहीं पर रोक के चेक कर लेते हैं इसको, बाइक को 2 मिनट लगेंगे अभी, तो अभी इसको पहले चेक करते हैं वॉइस सही आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर उसके बाद घर की ओर जाएंगे।
मैंने वैसे माइक को चेक कर लिया है और वॉइस बिल्कुल सही आ रहा है। अगर वाइजर को खुला रखते हैं तो वॉइस ज़्यादा साफ़ आता है, और वॉइस को बंद करते हैं तो थोड़ा फटाफटा आवाज़ आता है, तो इसलिए मैंने माइक को पीछे किया है। और अभी मच्छर बहुत ज़्यादा है इसलिए वाइजर को बंद कर लिया जाए तो अच्छा है। अभी ये देखो हमारी फॉग लाइट और ये है वाइट लाइट, फॉग लाइट ही छोड़ते हैं, यही अच्छी लगती है मेरे को वैसे। तो अभी घर की ओर जा रहे हैं वापस हम। वैसे वाइस ठीक था, जो माइक था मैंने थोड़ा पीछे हटा के लगा दिया है क्योंकि उसमें थोड़ा वॉइस सही नहीं आ रहा था, फटाफटा आ रहा था वाइजर को बंद करने पर। और जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, इसको मैं मोबाइल पर लगा के बना रहा हूँ, मेरे पास GoPro नहीं है। कभी आप सोच रहे हो इतनी बढ़िया क्वालिटी वीडियो की कहाँ से आ रही है भाई, ये मेरे मोबाइल की है। मेरे पास Vivo 75 मोबाइल है जो कि मैंने अभी नया लिया है ब्लॉगिंग करने के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन इसी से काम चलाएंगे फ़ोन से, फिर उसके बाद GoPro लेंगे। अभी एक महीने का टाइम लगेगा GoPro लेने के लिए, और वो भी कैश नहीं लेंगे भाई, EMI पे लेंगे, क्योंकि इतना महंगा लेने का अपना बजट नहीं है और ना ही इतनी अपनी इनकम है भाई, क्योंकि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं उनको भी पालना है, वरना भाई बच्चे छोड़कर चले जाएंगे, बीवी छोड़कर चली जाएगी, कभी ब्लॉगिंग के चक्कर में अपना तलाक ना करवा लें, ऐसे क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए अच्छा है जैसे जैसे अपना मैनेज होता है उसी हिसाब से ही ब्लॉग बनाएंगे, अपना हौली हौली सामान इकट्ठा करेंगे सब ब्लॉगिंग का। ऐसा ना कि भाई वो बीवी कहेगी मेरे को तो कुछ सामान ला के देते नहीं हो आप, और अपने YouTube वीडियो बनाने के लिए सब कुछ ले आते हो, इसलिए भाई नहीं, पहले बीवी और बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसी के बाद ही हम अपना GoPro मंगवाएंगे भाई, नहीं तो वरना लफड़ा हो जाएगा घर में भाई, छोटी छोटी बात का लफड़ा हो जाता है। क्यों आपको पता ही है जो औरत जात होती है ना उसकी बुद्धि थोड़ी तेज होती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में वैसे वो आगे रहती है, क्योंकि झांसी की रानी है ना, इसलिए क्योंकि भाई डर लगता है बीवी से। तो इसलिए GoPro लेंगे जरूर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेने में। तो जो मेरा आज का ये ब्लॉग है मोनो माइक वाला, इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइबर भी कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी हम ब्लॉग डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, और जो नए देखते हैं वो सब्सक्राइबर ज़रूर करना, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँ आपको। और भाई इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम मैंने अभी एक दो दिन में ही चलाया है, पहले नहीं चला रखा था, और इसलिए कह रहा हूँ आपको इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो ज़रूर करना मेरे को, और कोई भी बातचीत करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कर सकते हो, और मेरे वीडियो को सपोर्ट करना। और भाई एक सपोर्ट तो बनता ही है ना छोटा सा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत भाई बहुत देखने को तो इतना आसान लगता है कि भाई ये गया घर से और बाइक पर जाके घूम के आ गया, यार छोड़ो इसकी वीडियो को क्या करेंगे, बस देखा और इधर छोड़ दिया, नहीं भाई एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अभी मैं घर के पास पहुँचने वाला हूँ वैसे, और मेरे को मैसेज करके ज़रूर पूछना जिस जिसने मेरा ये वीडियो देखा है माइक वाला, आपको वॉइस कैसे लगा, अच्छा लगा तो आप भी इसको ले सकते हो। वैसे मेरे को तो ठीक लग रहा है, हेडफोन से तो सही है। और अभी मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, आप लाइक ज़रूर कर देना मेरे वीडियो को, और सपोर्ट भी करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अभी मैं घर के पास पहुँच चुका हूँ, आगे ना थोड़ा रोड का काम चल रहा है, इसलिए मैं यही ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ भाइयों, और आपको बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग के साथ मिलूँगा।